हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सीमा नमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत कन्या राशि वाले जातकों का जून 2018 का महीना किस तरीके का रहेगा, उन्हें इस महीने सफलता मिलेगी या फिर असफलता मिलेगी आप जान पाएंगे, ग्रहों का प्लेसमेंट क्या रहेगा, उनसे उनको बेनिफिट मिलेगा या फिर उन्हें हानियों का सामना करना पड़ेगा, उनके जीवन में यदि कोई विषम परिस्थितियां आ रही है तो उन्हें क्या करना चाहिए, आज इस वीडियो के अंतर्गत वह संपूर्ण जानकारी जान पाएंगे। दोस्तों, उनके व्यवसाय में क्या बढ़ोतरी होगी, घर परिवार से रिलेटिव उन्हें कोई समस्या तो नहीं आने वाली है, और शिक्षा व प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट कैटेगरी के लोगों के लिए जून का महीना किस तरीके का रहेगा, आय के क्या साधन उनके जीवन में रहेंगे जून के महीने में, आप संपूर्ण जानकारी जान पाएंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का जून 2018 का महीना किस तरीके का रहेगा। गोचर में ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंग राशिफल तैयार किया जाता है। ये सनशाइन राशि के अकॉर्डिंग है क्योंकि ये मंथली राशिफल है, इसलिए चंद्र राशि के अकॉर्डिंग नहीं है, यह लग्न राशि के अकॉर्डिंग राशिफल है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। दोस्तों, खर्च भाव के स्वामी सूर्य ग्रह आपके नाइन्थ हाउस में रहेंगे बुध के साथ, जो कि एक बुध आदित्य योग बना रहे हैं, जिससे आपके भाग्य में वृद्धि इस महीने तय होना निश्चित है। आपकी किस्मत आपके साथ रहेगी इस महीने के अंतर्गत। सूर्य 14 जून तक नाइन्थ हाउस में रहेंगे, फिर यह 15 जून को टेंथ हाउस में चले जाएंगे, जो कि पिता व कर्म का स्थान कहलाता है। इस महीने आपके पिता से अच्छे संबंध रहेंगे और व्यापार व जॉब के लिए भी इस महीना आपका बहुत ही अधिक अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह आपके धन भाव व भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके टेंथ हाउस में रहेंगे 7 जून तक। 8 जून को वे 11th हाउस में चले जाएंगे। 7 जून तक शुक्र टेंथ हाउस में रहेंगे तो आपके व्यापार व जॉब के लिए अच्छे रहेंगे। 8 जून के बाद शुक्र ग्रह 11th हाउस में जाने से आपकी सारी इच्छाएं इस महीने के अंतर्गत पूरी होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि 11th हाउस इनकम का हाउस भी होता है और एक इच्छा पूर्ति का घर भी होता है। आपकी इस महीने के अंतर्गत इनकम बढ़ने भी तय है। जो सपने आपने अपने जीवन में देखे हैं वह इस महीने आपके जरूर पूरे होंगे, लेकिन फिर भी जीवन में आपकी यदि कोई विषम परिस्थितियां आ भी रही है तो उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी ताकि आप उनका अनुसरण करेंगे तो आपके जीवन में आने वाली हर समस्याओं से आप निजात अवश्य पाएंगे। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह आपके स्वयं लग्नेश है, जो कि सदा शुभ रहते हैं। दोस्तों, बशर्ते कि लग्नेश पीड़ित ना हो, अर्थात वह 6-8-12 में ना बैठा हो और वह नीच का ना हो, इसलिए आपके लग्नेश के कारण आपको सदा शुभ लाभ ही मिलेगा। इस महीने तीनों घरों को एक्टिव करेंगे स्वयं लग्नेश अर्थात बुध ग्रह। ये अति शुभ है आपके इस महीने के अंतर्गत। बुध ग्रह नाइन्थ हाउस में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, जो कि बुध आदित्य योग बना रहे हैं। ये 9 जून तक रहेंगे, 10th जून को 10th हाउस में चले जाएंगे, कर्म के घर को भी एक्टिव करेंगे। ये 24 जून तक वहां पर रहेंगे और 25 जून को 11th हाउस में चले जाएंगे। वहां राहु से ये युति करेंगे, जो कि एक जड़त्व दोष बनाता है, लेकिन फिर भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बुध ग्रह 11th हाउस को भी एक्टिव करके आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं इस महीने के अंतर्गत पूरी योग बन रहे हैं पूरा होने के। देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में विराजित है, जिससे हमारे धन में प्राप्ति के योग इस महीने के अंतर्गत अधिक रहेंगे आपके। और शनि आपके 4th हाउस में वक्री हुए हैं, जो कि आपकी सुख सुविधाओं का घर है तथा माता के स्थान है। तो शनि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, तो यदि उनका प्लेसमेंट अच्छा है, वे नीच के नहीं है, तो इस महीने सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि होने के पूरे योग बन रहे हैं और माता से भी आपके अच्छे संबंध इस महीने के अंतर्गत बन रहे हैं। मंगल आपके उच्च राशि में 5th हाउस में है, लेकिन वे केतु के साथ युति बना रहे हैं, तो एक अंगारक दोष बना रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि आप फालतू के वाद विवादों में ना पड़े और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। गोचर में ग्रहों की स्थिति तो यही कहती है, अन्यथा आपकी जन्म पत्रिका क्या कहती है ये हमें नहीं पता है। यदि आपके प्लेसमेंट ग्रहों का प्लेसमेंट अलग है तो आपके कुछ विषम परिस्थितियां आपके जीवन में हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से जून का महीना किस तरीके का रहेगा।
इस महीने आपको मानसिक अशांति थोड़ी बहुत हो सकती है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। जो लंबी बीमारी से पीड़ित है वे अपना ध्यान ज्यादा रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपच, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत या श्वास की संबंधित शिकायत भी हो सकती है, तो आप योग करें, मेडिटेशन करें तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं व्यापार की दृष्टि से जून का महीना किस तरीके का रहेगा। नई पार्टनरशिप, नया कुछ और नए रिश्तेदार आपके इस महीने के अंतर्गत बन सकते हैं, और नए रिश्तेदार यानी कि नए संबंध आपके जुड़ेंगे तो ये पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा है और आपके व्यापार की बढ़ोतरी के लिए भी इस महीने बहुत अधिक अच्छा है। धन अर्जन की क्षमता आपकी बढ़ सकती है इस महीने के अंतर्गत। यदि आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो आप 1 से 7 तारीख के बीच में व्यवसाय के लिए कुछ भी नया खरीद सकते हैं। वाहन सुख भी इस महीने आपको मिल सकता है, और व्यापार के लिए या फिर जॉब के लिए आप विदेश यात्रा भी इस महीने के अंतर्गत कर सकते हैं। दोस्तों, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बन रहा है, राशि परिवर्तन योग बन रहा है, तो ये दोनों ही योग आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, आपके व्यापार की दृष्टि से भी और आपकी जॉब के लिए भी। जॉब में अब ये आपको नई उन्नति इस महीने के अंतर्गत मिल सकती है। जो जातक जॉब की तलाश कर रहे हैं उन्हें उनकी तलाश अब इस महीने खत्म होती नजर आ रही है। आप अपना 100% देंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता है दोस्तों, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आपके जीवन में यदि कुछ विषम परिस्थितियां आ भी रही है तो उनका आप डटकर सामना करिए अवश्य, क्योंकि विषम परिस्थितियां ही हमारे जीवन में कुछ हमें सिखा कर जाती है। ग्रह आपके अनुकूल है, व्यवसाय व जॉब में आपकी उन्नति व तरक्की आपको अवश्य मिलेगी इस महीने के अंतर्गत। आप शेयर मार्केट व म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ हो सकता है। व्यापार व जॉब में आपके मानसिक अशांति थोड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि 5th हाउस में आपके अंगारक दोष बन रहा है, इसलिए आप किसी फालतू के वाद विवाद में ना पड़े और अपने गुस्से पर कंट्रोल करें तो ओवरऑल आपका जून का महीना जॉब व व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं घर परिवार से जून का महीना किस तरीके का रहेगा। इस महीने आपको संतान पक्ष की थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है, क्योंकि 5th हाउस में अंगारक दोष बन रहा है। मंगल उच्च राशि के हैं लेकिन फिर भी वे केतु से युति बना रहे हैं, तो इसलिए संतान को आप थोड़ा संभाल कर रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो उनके लिए बेटर रहेगा। उनका ध्यान रखिए, उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनकी शिक्षा के प्रति आप थोड़ा उन्हें सपोर्ट करिए। दोस्तों, मांगलिक कार्य में आपके व्यय भार बढ़ सकता है इस महीने के अंतर्गत। हो सकता है मांगलिक कार्य आपके घर में ही हो, अर्थात इस महीने नए रिश्ते के बनने के योग आपके बन रहे हैं। जिन जातकों की अभी तक शादी नहीं हुई है उनके लिए मैरिज ऑफर आ सकते हैं इस महीने के अंतर्गत। संतान सुख की प्राप्ति भी इस महीने के अंतर्गत हो सकती है। अब हम बात करते हैं शिक्षा व परीक्षा प्रतियोगिता के बारे में। जो स्टूडेंट के लिए यह महीना थोड़ा बहुत सामान्य ही रहेगा। आत्मबल में और कमी आएगी आपके, इसलिए आप अपने आत्मबल अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप बरकरार करिए। अपना योग और मेडिटेशन आप अवश्य करिए। जरूरत से ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है इस महीने के अंतर्गत। नए जॉब ऑफर भी आपको अवश्य मिलेंगे इस महीने के अंतर्गत। वह आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना सक्सेसफुली हैंडल करते हैं। जो विद्यार्थी वर्क कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन वे अपनी एकाग्रता को बढ़ाए रखें और अपने लक्ष्य पर फोकस करें और मेहनत में कमी ना रखें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्यार व दाम्पत्य जीवन किस तरीके का रहेगा। इस महीने आपका प्यार के मामले में आपके मिले जुले परिणाम आपको मिल सकते हैं। आप प्यार का इजहार कर सकते हैं, लेकिन फैसला किस हक में आएगा ये हम नहीं कह सकते इतना। और दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा, लेकिन आप फालतू के वाद विवाद में ना पड़े, अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करें। आप किसी रोमांटिक डेट पर भी जा सकते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएगी। दोस्तों, क्योंकि अंगारक दोष आपको गुस्सा अधिक दिलाएगा, इसलिए आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे तो प्यार व दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने प्यार या फिर अपने जीवन साथी को खुश रखने की कोशिश करें। दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी कि जून का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए किस तरीके का रहेगा। 5 जून को दोस्तों पर्यावरण दिवस है, तो कन्या राशि वाले जातक यदि शनि मंदिर जाकर
वृक्षारोपण करते हैं या फिर गणेश जी के मंदिर जाकर वृक्षारोपण करते हैं तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पूरे साल भर उन्हें शनि की अड़ैया का प्रभाव उनके जीवन में झेलना है और बुध ग्रह उनके स्वयं लग्नेश है, तो वे गणपति की आराधना करें और गणेश जी के मंदिर जाकर वृक्षारोपण करें तो उनके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। और वे किसी भी अन्य स्थान पर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं है, लेकिन यदि आप शनि मंदिर और गणेश जी के मंदिर जाकर करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों 23 जून को निर्जला एकादशी है, तो यदि आप उपवास करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि उपवास नहीं भी कर सकते हैं तो आप मटकी व पंखी का दान मंदिर में अवश्य करें। दोस्तों आपका सामर्थ्य ज्यादा हो तो आप AC व कूलर भी दान कर सकते हैं और राहगीरों के लिए आप शरबत भी इस दिन बंटवा सकते हैं या फिर प्याऊ भी खुलवा सकते हैं। दोस्तों 27 तारीख को ज्येष्ठ पूर्णिमा है, तो माता में बहने पूरी श्रद्धा से यदि व्रत करेंगी तो उनके घर परिवार के लिए भी वह अच्छा रहेगा और उनके स्वास्थ्य के लिए भी वह अच्छा रहेगा। दोस्तों तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में यदि कोई भी विषम परिस्थितियां आ रही है तो वे अपने अचूक मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो उनके लिए बहुत अधिक बेटर रहेगा। और शनि की अड़ैया के भी छोटे छोटे उपाय यदि वे करते रहेंगे उनके जीवन में तो भी उनके लिए बेटर रहेगा। ये मेरे वीडियोस में आप देखकर जान सकते हैं कैसे क्या करना है आपको, और आप अपने लकी कलर्स को भी फॉलो करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। जीवन में कुछ छोटी छोटी बातें होती है जिनको यदि हम फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी हम सामना डटकर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें दूसरों के साथ भी, उनको भी इन इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी दे। दोस्तों तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।